हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो माय नेम इज क्रिस्टीना विलेस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम पढ़ते हैं पूरी की पूरी सोशल स्टडी क्लास 6, 7, 8, 9 और 10th की भी। सो 11th एंड 12th की हम पढ़ते हैं, इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री। सो हमारा जो कंटिन्यूशन में जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। आगे हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं अब हम वो देखेंगे। एंड होल ऑफ द यूट्यूब चैनल पे आपको ये चैप्टर बामुश्किल है कि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो मेरा चैनल पे ये चैप्टर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। नोट्स आपको इस चैनल के साथ इसी पीडीएफ पे जो है आपको मिल जाएंगे। ये जितनी भी पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ आप इससे इसको एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं टू बिकम अ नोट्स। यही आपके एज अ नोट्स रहेंगे। एंड ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। तो मैं आप यहाँ पर देख सकती हूँ ये बना हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से बाउंड्री टच हो रही है, इधर महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इधर आपका उड़ीसा वाला पार्ट हो गया, इधर छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हो गया नॉर्थ में, ठीक है। सो बस्तर इन 2000 में बस्तर क्या था, 1947 बस्तर किंगडम वॉज मर्ज्ड विद कंकेर किंगडम हो गया। वैसे आपको स्टडी नहीं करना है बट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ये आप देख सकते हो ये आर्मी कैंप है बस्तर में 1910, एंड दिस फोटोग्राफ ऑफ एन आर्मी कैंप वॉज टेकन इन द बस्तर इन 1910। द आर्मी मूव विद टेंट cooks and soldiers here, a sepoy is guarding the camp against rebels ke against ye army british army hi hai, theek hai, ye british army hai aur ye rebels ke against jo hai in logon ne apne tent vent yahan par laga rakhe hain taki wo rebels jo the wo guard kar rahe the, ye log forest ko guard karte the sepoys, britishers ke sepoys, theek hai, taki jo rebellions hain wo forest ke andar jo hai wo na aa sake, ठीक है। तो इन एडिशन टू द अर्थ दे शो रिस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द रिवर द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन। तो ये जो बस्तर के लोग होते थे, बस्तर क्या, जो ट्राइबल जितनी कम्युनिटी होती थी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो पेड़ पौधों को ही अपना भगवान मानते हैं, पहाड़ माउंटेन रिवर्स, ठीक है, और पेड़ पौधे, ये मतलब जमीन धरती माँ जैसे, ठीक है ना, तो ये सारी जो क्या सोचते हैं वो इनके अंदर भी आत्मा होती है, उनका ये ऐसा मानना होता है। दे शोर वो अपनी रिस्पेक्ट भी शो करते हैं फॉरेस्ट को, जंगल झाड़ी पहाड़ सबको वो अपनी भगवान मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट शो करते हैं। और स्पिरिट ऑफ द रिवर वो ये मानते हैं कि रिवर की भी स्पिरिट होती है, माउंटेन की सबकी आत्मा होती है, ठीक है। नाउ सिंस ईच विलेज नोन वेयर इट्स बाउंड्री लाइज, हर विलेज को अपनी खुद की बाउंड्री जो है वो पता होती है। द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री, मतलब हर फॉरेस्ट की अपनी अपनी बाउंड्री होती है, और जो लोकल पीपल होते थे वहाँ के उनको अपनी अपनी बाउंड्री जो है पता होती थी कि इसके बाद दूसरा राजा का जंगल शुरू हो जाएगा, क्योंकि किंगडम होती थी उस टाइम पे, हर राजा की हर ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है, काफ़ी दूर पे ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनका अपना एरिया होता था। फिर आगे मतलब और आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे दूसरे ट्राइब के लोग आ जाएंगे, अलग अलग जातियों के थे, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा बहुत जो है अपनी लैंग्वेज, काफ़ी कुछ लैंग्वेज, कस्टम, बिलीव वगैरह शेयर करते थे, लेकिन स्टिल सबकी अपनी अपनी बाउंड्री होती थी। इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वॉन्ट टू मेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ऑफ अनदर विलेज दे पे अ स्मॉल फी कॉल्ड देवसारी, दंड और मान इन एक्सचेंज, ठीक है, एंड इन एक्सचेंज। तो अगर किसी एक विलेज में से कुछ लोगों को दूसरे विलेज से अगर कुछ लेना होता था तो उसके बदले में उनको छोटा सा पे जो है तो छोटी सी फीस पे करनी होती थी, पे अ स्मॉल फीस कॉल्ड, उसे देवसारी कहते थे, दंड कहते थे, मान इन एक्सचेंज, मतलब इसके बदले में आप ये ले लो, इसके बदले में आप ये ले लो। अगर उनके पास अच्छी लकड़ियाँ हैं और आपको जो अच्छी लकड़ियाँ चाहिए तो उनके लकड़ी के बदले में आपको कुछ अच्छे फल फ्रूट जो है देने पड़ेंगे। सम विलेज ऑल्सो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बाई एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम। कुछ विलेजेस जो थे अपने विलेज के बाहर, अपने जो ट्रैवल वो जंगल के, जंगल में ही उनका विलेज बना हुआ होता था, ठीक है, तो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते थे, एंगेजिंग वॉचमैन रखते थे विलेज के बाहर, जंगल के बाहर, ठीक है, और हर हाउस होल्ड, मतलब ईच हाउस होल्ड, हर घर में से कॉन्ट्रीब्यूशन जाता था किसको, वॉचमैन को कॉन्ट्रीब्यूशन जाता था। वॉचमैन को कुछ ग्रेन्स दे देते थे, फ्रूट्स दे देते थे, जंगल में से लकड़ियाँ दे देते थे जो उसके यूज़ में आ सके, ये तो इस तरीके की कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो वॉचमैन को दे दिया करते थे, ठीक है। एवरी ईयर देयर इज़ अ बिग सॉरी देयर इज़ अ वन बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ विलेज इन अ परगना क्लस्टर ऑफ विलेज। परगना किसे बोलते थे, परगना बोलते थे आपको क्लस्टर ऑफ विलेज, क्लस्टर ऑफ विलेज मतलब बहुत सारे विलेजेस मिला के एक परगना बनता था। ये आपने सिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है, सिक्स क्लास में, जिस तरीके से राजा लोग जो है अपनी किंगडम को डिवाइड करते थे, सिक्स में भी पढ़ा है आपने, सेवन्थ में भी पढ़ा है, अशोका वगैरह का जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, प्रोविंशियल किस तरीके से वो अपने प्रोविंसेस को डिवाइड करते थे, विलेज, विलेज के अंदर परगना, परगना के अंदर स्मॉल सिटीज़ या स्मॉल कुछ होते थे, अलग अलग उसमें जो है बांटे हुए थे।
सो किंगडम्स बड़े अच्छे से उनकी डिवाइड होती थी, इसी तरीके से यहाँ पर भी था, क्लस्टर ऑफ विलेज जो थे, ग्रुप ऑफ विलेज मीट्स एंड डिस्कस इशू ऑफ कंसर्न इंक्लूडिंग फॉरेस्ट। तो ये लोग सब पूरे विलेज के लोग जो है जब एक साथ मिलते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, कोई भी विलेज से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इशू होता था, कोई भी परेशानी होती थी, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट से लेके विलेज से लेके हर इशू जो है वो बैठ के मिलके सारे विलेज के लोग डिस्कस करते थे, बातें करते थे और फिर उसका सोल्यूशन निकाला जाता था कि भाई क्या किया जाए। फियर ऑफ द पीपल, लोगों का डर क्या था, मतलब लोग किस बात से डर रहे थे, मेनली फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए कि भाई ब्रिटिशर्स जो है हमारे साथ और क्या क्या करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने वैसे ही बहुत कुछ किया, जंगल कट गए हमारे, इनको इनका अधिकार नहीं दिया जाता था, विलेज ट्राइबल पीपल्स को उनकी कम्युनिटी से भी जंगल से निकाल दिया गया था, जंगल पे इन लोगों का हक नहीं था, ये लोग कोई चीज़ ले नहीं सकते थे जंगल से, जंगल के अंदर ये लोग घुस नहीं सकते थे विदाउट परमिशन, अगर विदाउट परमिशन अगर ये लोग घुस जाएंगे तो इनको मार दिया जाता था। फॉरेस्ट विलेजेस सेम चीज़ है वो, मतलब फॉरेस्ट के अंदर ही ये लोग अपने टेंट वेंट विलेज बनाकर ये लोग रहते थे, सब साथ में रहते थे, फॉरेस्ट के अंदर ही रहते थे ये लोग, इसी को फॉरेस्ट विलेजेस जो है कहा जाता है। कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन 1905 एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन हंटिंग कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस द पीपल ऑफ बस्तर वर वेरी वरीड। तो इन्होंने ये सारी चीजें जो है कर दी थी, 2/3 जो है फॉरेस्ट जो था वो 1905 में भी रिजर्व कर दिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, कुछ ऐसे वाले रिजर्व्ड हैं, कुछ वैसे वाले रिजर्व्ड हैं, मतलब 2/3 करीब बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को जो है इन्होंने 1905 से ही रिजर्व कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बंद कर दिया, आपने प्रीवियसली पढ़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद कर दिया, हंटिंग बंद कर दिया, खुद हंटिंग करते थे लेकिन फॉरेस्ट का कोई भी बर्दा जो है वो हंटिंग नहीं कर सकता, ठीक है, हंटिंग बंद कर दिया, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी या फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट था वो ये लोग फॉरेस्ट के ही लोगों को, ट्राइबल लोगों को जो है वो लेने नहीं देते थे, कोई भी फॉरेस्ट से कोई भी किसी तरीके का कलेक्शन नहीं करेगा। द पीपल ऑफ बस्तर, और इन सारी चीजों को लेके बस्तर के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा वरीड थे, परेशान थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, विलेजेस अलाउड टू स्टे ऑन इन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सम कुछ विलेजेस को जो है अलाउ किया हुआ था कि वो रिजर्व फॉरेस्ट में जा सकते हैं ऑन द वन कंडीशन दैट दे वर्कड फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो तभी जाएंगे जब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री वर्क करेंगे, मतलब फ्री काम करो, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाकर वहां से कोई चीज ले सकते हो, हंटिंग कर सकते हो या कोई थोड़ा बहुत सामान आप ले सकते हो। कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, ये सारे काम जो है लोगों को, विलेज के लोगों को या ट्राइबल लोगों को करने पड़ते थे, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए करने थे, ये उनका कंडीशन। सब्सिक्वेंटली दीज केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेज, ठीक है, सब्सिक्वेंटली, लेकिन धीरे धीरे इस चीज को फॉरेस्ट विलेजेस, ये ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से इस जगह को फॉरेस्ट विलेजेस जो है वो कहा। पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन, और दूसरे जो विलेज के जो लोग होते थे उनको कहीं से भी उठा के कहीं से भी यहाँ वहाँ जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता था, कहीं से भी उठा के कहीं भेज दिया जाता था विदाउट एनी नोटिस, उनको नोटिस नहीं दिया जाता था, उनको बताया नहीं जाता था और उनको किसी भी तरीके का कंपनसेशन भी नहीं मिलता। नाउ फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स एंड फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाई कॉलोनियल ऑफिशियल, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम से ये सारी चीज़ें जो थे आपके ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, विलेजेस के लोग, वहाँ जो विलेजेस थे, ठीक है, विलेजर्स, ये सारी चीज़ें जो थे वो बहुत टाइम से झेल रहे थे, ठीक है, विलेजर्स। इंक्रीज लैंड रेंट, लैंड का रेंट जो है ब्रिटिशर्स डे बाई डे इंक्रीज कर रहे थे। फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर फ्री लेबर, फ्रीक्वेंट डिमांड ब्रिटिशर्स की रहती थी कि फ्री लेबर मिले हमें, ठीक है, विलेजेस में से या फॉरेस्ट में से लोगों को उठा के लेके चले जाते थे और उनसे फ्री फंड में जो है काम करवाते थे। गुड्स बाई कॉलोनियल ऑफिशियल, लेबर एंड गुड्स बाई कॉलोनियल ऑफिशियल, जो कॉलोनियल ऑफिसर्स होते थे वो फॉरेस्ट से फ्री सारा प्रोडक्ट भी चाहते थे, जो भी गुड्स होते थे, फ्रूट्स हो गया, हर्ब्स हो गया, जो भी लकड़ी लॉग्स वगैरह, वो कहते थे वो सारा कुछ आपको हमें देना पड़ेगा, और लेबर भी फ्री उनको चाहिए था, गुड्स भी उनको फ्री चाहिए होते थे। नाउ देन केम द टेरिबल फेमाइंस इन 1899 से 1900 तक एंड अगेन 1907 से 1908 तक, बहुत ही खतरनाक वाला जो है टेरिबल फेमाइन यानी भुखमरी। देन केम द टेरिबल फेमाइन इन 1899 से 1900 तक और उसके बाद 1907 से 1908 तक, बहुत ही टेरिबल वाला फेमाइन आया क्योंकि हर जगह पर ब्रिटिशर्स ने जो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट करीब 70% जो है, 2/3 जो है आपका जो अच्छा वाला जो हमारा लैंड होता था उस पर रिजर्व्ड फॉरेस्ट लगा दिया था, ठीक है, मतलब उसको रिजर्वेशन की कैटेगरी में डाल दिया था, उसमें हंटिंग नहीं हो, उसमें कल्टीवेशन नहीं होता था, सॉरी उसमें एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा उसमें कल्टीवेशन होता था, ठीक है, फॉरेस्ट नहीं होता था, ठीक है, उसमें सारी की सारी
विलेजर्स को अलाउड नहीं था, सिर्फ कुछ विलेजर्स ही वहाँ जाते थे, और जो जाते थे उनको उनके जंगलों को जो है मतलब अब वो ब्रिटिशर्स के जंगल हो गए, ब्रिटिशर्स के विलेजर्स हो गए, तो उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी, जिसके वजह से क्या हुआ, अब 70% जंगल जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, 2/3 जंगल ब्रिटिशर्स के अंडर में या उनके कंट्रोल में था। तो यहाँ आया टेरिबल वाला फेमाइन, यानी सूखा, भुखमरी, खाना नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, ठीक है। सो उसी दौरान जो है सिर्फ जो रिजर्वेशन वाले जो रिजर्व्ड प्रूव द लास्ट स्ट्रॉ, जो रिजर्वेशन वाले फॉरेस्ट थे सिर्फ वही सिर्फ जो है रह गए थे जहाँ से खाने पीने की चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत जो है अवेलेबल हो जाता था। ये ट्राइबल कम्युनिटी थी अब और ज़्यादा इसके वजह से जो है गुस्से में आ गई, और पहले तो उनको गुस्सा था ही, चिंता थी कि भाई अब आगे क्या होगा, अब इसके वजह से और वो गुस्से में आ गई। पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस दीज इशू इन देयर विलेज काउंसिल, इन बाजार्स एंड एट फेस्टिवल्स और वेयर एवर दे द हेडमैन एंड द प्रीस्ट सेवरल विलेजेस वर असेंबल्ड। अब ये लोग क्या करने लगे, ये लोग आपस में एक दूसरे से सारी चीज़ें ये सब कुछ डिस्कस करने लगे कि भाई अब क्या होगा। जगह जगह वो लोग गैदर्ड होते थे, बिगिन टू गैदर डिस्कस अपने इशूज, सारे इशूज डिस्कस करने लगे। विलेज के जो काउंसिल्स होते थे, काउंसिल्स क्या होते थे यार, उस समय विलेज के लोगों को सबको बुला के जो है एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता था, बाजार में कहीं खड़े हो गए जो हेड होते थे विलेज के, 4-5 गाँव के जो हेड होते थे मिल गए बाजार बाजार में कहीं गए, या आप देख सकते हो ये टेंट वेंट लगा के जो है थोड़े बहुत बाजार बाजार का थोड़ा बहुत सामान जो है वो बेचा जाता था, ठीक है, एट फेस्टिवल्स और वेयर एवर द हेडमैन, और जहाँ कभी फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल में सारे जो विलेज के हेडमैन होते थे वो मिल के बैठ जाते थे डिस्कशन करने की भाई क्या किया जाए क्या किया जाए। जो प्रीस्ट होते थे, ठीक है, वहाँ विलेज के जो पंडित वगैरह होते थे ऑफ सेवरल विलेजेस, बहुत सारे विलेज के प्रीस्ट वो जगह जगह असेंबल हो जाते थे, वो भी डिस्कस करते थे। अब हर कोई जो है विलेज की फॉरेस्ट की प्रॉब्लम्स को जो है हर कोई डिस्कस करने में लगा था। इनिशिएटिव वॉज टेकन बाई ध्रुवास एंड द कांगेर फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। तो कांगेर जो फॉरेस्ट था वहां पर जो है सबसे पहले रिजर्वेशन जो है उस फॉरेस्ट में जो है ब्रिटिशर्स ने लगाना शुरू किया। पहला इनिशिएटिव जो है वो ध्रुवास उसी फॉरेस्ट से जो है लिया गया। ऑल्दो देयर वॉज नो सिंगल लीडर, मेनी पीपल स्पीक ऑफ गुंडाधूर, कोई सिंगल लीडर नहीं था इन लोगों के विलेजेस में, ठीक है, या इन लोगों की ट्राइबल कम्युनिटी में वो पर्टिकुलर कोई लीडर नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोग जो अपनी चीजें डिस्कस करते थे वो गुंडाधूर फ्रॉम विलेज नेथानार, ठीक है, नेथानार एक विलेज था जिसका एक बंदा था जो लीडर था, जिसका एक बड़ा कोई हेडमैन वगैरह होगा गुंडाधूर, उससे ज्यादातर चीजें एज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, लेकिन उसने जो है उससे सारी चीजें ज्यादातर डिस्कस करी जाती थी, और उसने जो है भाई ज्यादा वर्क किया, मतलब उसने बीड़ा उठाया सारी चीज़ों का कि भाई ब्रिटिशर्स से जो है किस तरीके से डील किया जाए, हम और हम अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। 1910 में मैंगो बॉग्स और लैम्प ऑफ अर्थ चिलीज एंड एरोज बिगिन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस। 1910 के आसपास क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है विलेजेस के बीच में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। ये एक चिन्ह होता था, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, एक थाली, तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ नहीं है, किसी टीचर ने बता दिया थाली, थाली जैसा यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते थे कि मैंगो की जो गुठली है और अर्थ की लंब, अर्थ यानी कि थोड़ी सी मिट्टी या मिर्ची या एरो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, देते थे एक दूसरे को एज अ साइन के तौर पे कि भाई आज जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है हम कोई ना कोई हम क्रांति जो है करने वाले। यहाँ कहीं थाली वाली का कहीं जिक्र नहीं है, एक टीचर ने बता दिया है कि जो है थाली में अगर मिट्टी मिली, चिली चिली है, मिर्ची है, तो थाली वाली कुछ नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ वो क्या करते थे कुछ कोई किसी पॉलिथीन में या किसी भी चीज़ में वो ये सारी चीज़ें, मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें वो लोग कलेक्ट करके घर के पास अगर आया है तो आप समझ लीजिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है आज कोई क्रांति या कुछ रिवोल्ट जो है होने वाला। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द रेबेलियन एक्सपेंसेस। अब सारे जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ठीक है, तो हर विलेज का जो पर्सन था, हर विलेज और हर विलेज में रहने वाले लोग जो थे वो कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, एक्सपेंसेस कर रहे थे, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा था वो दे रहे थे, बाजार लूट रहे थे, हाउसेस ऑफ द ऑफिशियल्स लूट रहे थे, ट्रेडर्स को लूट रहे थे, स्कूल पुलिस स्टेशन को लूटा जा रहा था, जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको जलाया जा रहा था, रॉब्ड कर रहे थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, लूटालाटी कर रहे थे, एंड ग्रेन्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और ब्रिटिश के जो गोदाम होते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के जो गोदाम होते थे उनके ऊपर लूटालाट मचाते थे, ठीक है, उनको लूट लाट के और जितना भी ग्रेन होता था वो सारा का सारा चोरी करके पूरा विलेजेस में जो है वो बांट दिया जाता था। सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को वो जो है मार रहे थे, और मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑप्रेसिव लॉ। यही मैंने बताया ना, कोई भी अगर इंडियन भी होता था जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स में काम कर रहा था, जो कि कॉलोनियल स्टेट से या उनके किसी ऑप्रेसिव लॉ से, जो भी वो लॉ बना रहे हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो भी लॉ बना रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, अगर कोई भी इंडियन भी जो है जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स में काम कर रहा है, उनके लॉ, उनके बनाए हुए लॉ को फेवर कर रहा है, उनके बनाए हुए लॉ में काम कर रहा है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ते किसी भी तरीके से। कोई भी अगर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ है तो वो सबको ट्राइबल कम्युनिटी ने, विलेजर्स ने जो है मारना पीटना लूटना जो है वो शुरू कर दिया था। विलियम वर्ड अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट। तो एक मिशनरी थी, मिशनरी
में एक ब्रिटिश ऑफिशियल था विलियम वर्ड, उसने ये सारी चीजें नोट करी और उसने क्या लिखा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस मर्चेंट्स फॉरेस्ट प्यून्स स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। यहाँ पर मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ब्रिटिश ऑफिशियल थे तो जो हमारे ट्राइबल्स थे उन्होंने बातचीत करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, सारी कोशिश करके देख ली, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार हुए। वो जंगल पे ट्राइबल लोगों पे जो है अत्याचार उनके बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना जो है रेबल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना रेबल के जो है बात नहीं बनने वाली थी ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। तो ये एक थे, एक मिशनरी के कुछ वर्क करते थे ये, तो इन्होंने इसी तरीके से लिखा कि भाई सब तरफ से जो है पुलिस मर्चेंट फॉरेस्ट प्यून्स स्कूल मास्टर सभी लोग जो है वहाँ से जो है उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पे रेबल हो रहा। सो ब्रिटिश सेंटर ट्रूप्स टू सेपरेट द रेबेलियन, इधर ब्रिटिशर्स ने भी कुछ कम नहीं किया, इन्होंने भी जो है अपने ट्रूप्स वगैरह जो थे वहाँ जंगल में भेजना शुरू कर दिए, विलेजेस में भेजना शुरू कर दिए, ठीक है, सबको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये चाह रहे थे जो आदिवासी लीडर थे वो चाह रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ निगोशिएट करने के लिए, बट ब्रिटिशर्स सराउंडेड देयर कैंप एंड फायर्ड अपॉन देम, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चारों तरफ से जो है उनके एरिए को उनके विलेजेस को अपने कैंप से मतलब चारों तरफ से कैंप बना के घेर लिया और उनके ऊपर गोली बारूद जो है वो चलाना शुरू कर दिया। आफ्टर दे मार्च थ्रू द विलेजेस फ्लैगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रेबेलियन, अब उन्होंने क्या किया विलेज की तरफ जो है दौड़ लगाना शुरू कर दी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, उनके आर्मी के ट्रूप्स ने, आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी ने, ठीक है, विलेज की तरफ जो है फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया। और जो जो अब उन्होंने विलेज में देखा कि जो जो इस रेबेलियन में जिस जिसने बस्तर के रेबेलियन में पार्टिसिपेट किया सबको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ विलेजेस वर डेजर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल, बहुत सारे विलेजेस जो थे वो खाली हो गए, बिल्कुल 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 खाली हो गए, पूरे डेजर्ट बन गए बहुत सारे विलेजेस, लोग जो थे सारे अपने गाँव घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है और इंटीरियर जो कहीं यहाँ वहाँ के इधर उधर के जो जंगल वहां पर जाकर वो लोग सारे के सारे वहां भाग गए। नाउ इट टुक 3 मंथ फरवरी मार्च अप्रैल में फॉर द ब्रिटिशर्स टू रीगेन कंट्रोल, अब 3 महीने ब्रिटिशर्स को लग गए तो दोबारा के दोबारा पूरा जो फॉरेस्ट वाला जो एरिया था या विलेजेस थे उस फॉरेस्ट वाला एरिया या फॉरेस्ट विलेजेस जो थे उस पूरे को जो है दोबारा रीगेन पूरे को कंट्रोल करने में जो है करीब 3 महीने लग गए, फरवरी से लेके मई तक, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। हाउएवर दे वर मैनेज टू कैप्चर गुंडादूर, और साथ ही साथ वो जो मेन पर्सन था जो मेन लीडर था ट्राइबल कम्युनिटी का गुंडादूर, इस तरीके का वो कुछ दिखाया जाता है कि ऐसे वो ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करती थी, उसको नेवर मैनेज टू कैप्चर, उसको कभी भी जो है वो पकड़ नहीं पाए गुंडादूर को, वो कहीं और ही किसी और ही जंगल में जो है वो जाके भाग गया, ठीक है, उसको पकड़ ही नहीं पाए ब्रिटिशर्स। इन अ मेजर विक्ट्री ऑफ द रेबेलियन रेबल्स वर्कड ऑन रिजर्वेशन वॉज टेम्परली सस्पेंडेड, तो टेम्परली ब्रिटिशर्स ने क्या किया जो रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन वाले जो फॉरेस्ट है उस पर जो जबरदस्ती ट्राइबल कम्युनिटी से काम करवाते थे ना ये लोग वर्क करवाते थे, मेजर विक्ट्री उनको रेबेलियंस को यही मिली, वो जो था ब्रिटिशर्स ने कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था। एंड द एरिया टू बी रिजर्व्ड वॉज रिड्यूस टू रफली हाफ ऑफ दैट प्लान्ड बिफोर 1910, और 1910 तक से पहले रफली हाफ ऑफ दैट प्लान्ड बिफोर 1910, मतलब 1910 से पहले ही जो रिजर्व्ड वाला जो एरिया था जो ब्रिटिशर्स ने जितना 2/3 एरिया जो है जो रिजर्व्ड किया हुआ था, ठीक है, 2/3 एरिया रिड्यूस्ड वो रफली हाफ, उसको कट करके जो है आधे एरिए को ही रिजर्वेशन में रखा। सो द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड द पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर, यानी कि ये जो स्टोरी है ना बस्तर के लोगों की जो ये स्टोरी है या बस्तर के आसपास के विलेजेस की जो ये स्टोरी है ये यहीं खत्म नहीं होती, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो या हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही रही हो इंडियन गवर्नमेंट के टाइम पे, और आज भी ठीक है बस्तर के लोग जो हैं वो अपने नेचर को बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बस्तर के लोग जो हैं वो अपनी कम्युनिटी को बचाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी बस्तर के ही ट्राइबल कम्युनिटीज में से ही आज छत्तीसगढ़ के जो जंगल हैं वहाँ पर जो है यही बस्तर कम्युनिटी के लोग जो है टेररिस्ट बन चुके हैं, अब वो धीरे धीरे आज के मॉडर्न टाइम के टेररिस्ट कहलाने लगे हैं क्योंकि वो जंगल को काटने वाटने नहीं देते हैं, तो इसलिए जो है शायद गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट घोषित कर रही है। तो बस्तर के वो छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है, साथ ही साथ झारखंड का जो कुछ पार्ट है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो बस्तर वाला पार्ट है नक्सलाइट्स बन चुके हैं। आफ्टर डिपेंडेंस द सम प्रैक्टिसेस ऑफ कीपिंग पीपल आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यू। 1970 में वर्ल्ड बैंक ने जो है कहा 4600 हेक्टेयर का जो आपका नेचुरल साल हमारे यहाँ फॉरेस्ट साल के पेड़ जो है हमारे यहाँ फॉरेस्ट में ज्यादा ग्रो होते हैं ये बस्तर वाले रीजन में शुड बी रिप्लेस्ड बाई द ट्रॉपिकल पाइन टू प्रोवाइड पल्प फॉर द पेपर इंडस्ट्री। उन्होंने कहा कि आप ट्रॉपिकल पाइन जो है ग्रो करिए जिससे पल्प निकलेगा, ठीक है, ट्रॉपिकल पाइन जो है जो पेड़ होता है जिससे पल्प निकलता है, पल्प निकाला जाता है, ठीक है, पल्प उस पल्प से जो है पेपर बनता है, पल्प पेपर इंडस्ट्री में जाएगा फिर उस पल्प से जो है पेपर को
बनाया जाएगा, ठीक है। जब पल्प पेपर इंडस्ट्री में बन के वहां से पेपर मिलेगा तो भाई बाहर देशों में भी जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है ये आइडिया दिया 1970 में कि ऐसे ऐसे किया जाए, तो उसके लिए भी इसी ट्राइबल कम्युनिटी ने जो है वो टोटली जो है मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज भी वो अपने जंगलों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जंगलों के लिए लड़ने के साथ साथ वो अपने ही देश के जवानों को, अपने ही भाइयों को जो है वो मार भी रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाई लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप। तो वहाँ के लोकल वही हैं, वहाँ के वही जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे वो लोग जो है उन लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है अगेन रिवोल्ट छेड़ दिया था। आपके कोई इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये assertions, reasons हैं, ठीक है। उसके बाद है इन विच ईयर बस्तर रेबेलियन टुक प्लेस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो बच्चे बाद में भी देख रहे हैं वो भी आप अपने आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि जिन जिनने देखा है तो उनमें से कितने आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी जावा की, जावा जो कि इंडोनेशिया के पास का एक आइलैंड है। सो जावा इज नाउ फेमस एज राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। तो जावा जो है राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है इंडोनेशिया के पास, ठीक है, इंडोनेशिया का ही आइलैंड है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट। ज्यादातर जावा का जो पार्ट था, क्योंकि ये आइलैंड है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे के सारे कंटिन्यूएशन में आइलैंड्स पड़ते हैं, ठीक है। सो आइलैंड्स ज्यादातर जो है फॉरेस्ट से ही कवर्ड रहेंगे। ज्यादातर आइलैंड्स में आपकी जंगली जातियां ही रहती हैं, जंगली प्रजातियां रहती हैं, ठीक है। ह्यूमंस ही होते हैं लेकिन वो जंगली होते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनकी सारी चीजें जो है हम डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग से जो है अलग होते हैं, वो जो है डेवलप्ड नहीं होते हैं। बट वंस अपॉन अ टाइम कभी ये कवर्ड रहता था फॉरेस्ट से, लेकिन कॉलोनियल पावर इंडोनेशिया वर द डच, लेकिन डच जो थे वो इंडोनेशिया में कॉलोनियल पावर उन्होंने बना रखी थी, वो जो थे यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। जिस तरीके से ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, वैसे यहाँ पर जो है डच का जो है कॉलोनियल पावर चल रही थी, डच ने अपना रूल बनाया हुआ था। नो देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज इन द लॉ ऑफ फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया एंड इंडिया, और बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी क्योंकि डच थे, तो डच भी थे आपके यूरोपियंस, ठीक है। तो यूरोपियंस डच हो या ब्रिटिशर्स हो, फ्रेंच हो, फ्रेंच जो कि इंडिया में आए थे रूल करने, पोर्चुगीज हो, ठीक है, तो उनके लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस में जो है ज्यादातर सिमिलैरिटीज बनी रहेंगी, ठीक। जावा इन इंडोनेशिया इज वर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब जावा में, इंडोनेशिया के जावा में डच ने जो है अपनी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो है प्रिपरेशन करी थी, उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया था कि फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, लाइक द ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में कर रहे थे। दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा, जावा उनको जावा से टिम्बर चाहिए था टू बिल्ड शिप्स, ठीक है, क्योंकि डच भी जो थे वो यूरोपियंस थे, उनको यूरोप से या यूरोप जाना, ठीक है, इधर आपका यूरोप होता है, यूरोप जाना, फिर एशिया आना, एशिया से इंडोनेशिया जाना, ठीक है, लाइन लाइन्स पे जाना, वहाँ रूल करना, तो शिप्स जो थी वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट जो था वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, ठीक है। तो शिप्स बनाना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए उनको टिम्बर चाहिए था आपका, टिम्बर यानी कि लकड़ी, जब वो कट जाती है तो उसे टिम्बर बोला जाता है, तो लकड़ी चाहिए थी उन्हें शिप्स बनाने के लिए। 1600 में, यानी कि आपकी 17th सेंचुरी में, पॉपुलेशन ऑफ जावा वॉज एन एस्टिमेट ऑफ 3.4 मिलियन। मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन, जो फर्टाइल एरिया था, फर्टाइल प्लेन थे, वहाँ पे कई विलेजेस जो थे वो रहते थे, विलेजर्स रहते थे, विलेजेस बन चुके थे, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो मेनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी जो अभी भी माउंटेन एरियाज में रहती थी, मतलब जावा में आपके प्लेन एरिया भी है, ठीक है, जावा में आपके फर्टाइल वाला प्लेन एरिया भी है, जावा में आपके थोड़े बहुत प्लैट्यूज भी लाइज करते हैं, ठीक है, जावा में आपके माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स एन आइलैंड, तो माउंटेन्स फिर ऊपर नीचे, थोड़ा नीचे आएंगे तो प्लैट्यूज, फिर फर्टाइल प्लेन वाला एरिया जो समुद्र के से लगा हुआ जो आइलैंड का पार्ट होगा वो थोड़ा सा प्लेन होगा और फर्टाइल भी होता है। माउंटेन्स जो एरिया थे वहाँ पे वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी, अच्छा फर्टाइल वाला सॉइल वहाँ पर उनको मिल जाता था, तो वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी जो है हुआ करती थी। नाउ वुड कटर ऑफ जावा, अब जावा के वुड कटर के बारे में बताया हुआ है, यानी कि जावा में किस तरीके से वुड की कटिंग होती थी, या लोग जो लोग वुड काटते थे उनका क्या हाल था, जावा में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी किस किस तरीके की कम्युनिटीज थी, क्या क्या उनके मतलब उनके खुद की क्या डिमांड थी, या ब्रिटिशर्स सॉरी जो डच थे उनसे उनकी क्या डिमांड थी, किस तरीके की कम्युनिटी थी, क्या क्या वो लोग करते थे। कलंग्स, यहाँ पे एक कम्युनिटी होती थी, कलंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो ये कम्युनिटी हुआ करती थी वहाँ पर, जो कि वुड कटिंग करती थी, वुड कटर, जो कि अभी हमने पहले टॉपिक देखा, फॉरेस्ट को कट करती थी, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स होते थे, वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा करते थे, ठीक है, और काफ़ी स्किल्ड होते थे, बहुत ज़्यादा स्किल्ड माने जाते थे। नाउ देयर वाज सो वैल्यूएबल दैट 1755 काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल थे, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई एक मतलब किसी टीचर ने बताया कि बड़ी फेमस हुआ करती थी, पूरी दुनिया में फेमस हुआ करती थी, यहाँ एनसीईआरटी में यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करती थी, पूरी दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी, पूरी दुनिया में बड़ी फेमस हुआ करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट या राइट,
थोड़ा वो बट उनकी वैल्यू हुआ करती थी क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा बाकी कम्युनिटीज से वो ज़्यादा स्किल्ड हुआ करते थे। ठीक है, 1755 में एक मातरम किंगडम हुआ करती थी जावा में, जो किंग रूल करता था उसकी किंगडम थी मातरम। ठीक है, वो स्प्लिट हो गई, दो भाग हो गए उसके, और उसमें क्या हुआ, द 6000 कलंग्स फैमिलीज वर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द टू किंगडम। दो किंगडम जब मात्रा की बनी तो 6000 कलंग फैमिलीज को बराबर बराबर इक्वली इक्वली डिवाइड किया गया, क्योंकि ये कहा गया क्योंकि जो कलंग कम्युनिटी थी काफ़ी स्किल्ड थी, और कलंग पूरी कम्युनिटी, पूरी पूरी कम्युनिटी अगर एक ही किंगडम के पास चली जाएगी तो वहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, फॉरेस्ट कटिंग करना, और उन वो जो अपनी स्किल्ड जो चीज़ें हैं वो फिर उसी कम्युनिटी उसी किंगडम के साथ जो है वो रह जाएगी। ठीक है, विदाउट देयर एक्सपर्टीज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस, क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज क्या थी, इनके अंदर जो स्किल थी वो क्या थी, वो ये थी इनके अंदर स्किल। ठीक है, इनकी स्किल क्या है कि ये काफ़ी एक्सपर्टीज होते थे। ठीक है, डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक, टीक को हार्वेस्ट करना यानी कि काटना, ग्रो करना टीक के पेड़ों को, इनके बिना जो था वो पॉसिबल नहीं था। और जो किंग्स थे जो अपने बड़े बड़े लकड़ी से जो अपने बड़े बड़े महल बनाते थे, पैलेसेस बनाते थे, वो पैलेसेस भी बनाने में ये कम्युनिटी के लोग जो थे वो ज़्यादा स्किल्ड थे, और अगर ये नहीं होते तो उनके राजा वगैरह के बड़े बड़े पैलेसेस वगैरह जो है सारी चीज़ें नहीं बन पाती। ठीक है, नाउ व्हेन डच बिगेन टू गेन कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट इन 18th century, दे ट्राई टू मेक द कलंग वर्क अंडर देम। तो डच ने जब कंट्रोल करना शुरू किया 18th century में, यानी कि 18वीं शताब्दी यानी 1700 के आसपास जो थे, डच इंडोनेशिया यानी जावा में आए। ठीक है, और 17th century में जो थे वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो अच्छा कर रही थी अपने विलेज, अपने जावा में। ठीक है, अपने आइलैंड में अच्छा कर रही थी, ग्रो वगैरह सारी चीज़ें बहुत सही ग्रो कर रहा था, कल्टीवेशन चल रहा था। लेकिन जब डच आए तो वो लोग यही सोचने लगे कि कलंग जो है वो उनके अंडर में वर्क करे। 1770 में कलंग रेसिस्टेंट बाई अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जाना। जाना इसमें एक फोर्ट था जो डच ने अपने लिए बनाया था। ठीक है, तो कलंग कम्युनिटी ने क्या किया, उस फोर्ट पे जो है 1770 के आसपास जो है उन्होंने 1770 में उन्होंने उस पर अटैक किया। ठीक है, बट अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। लेकिन जो कलंग कम्युनिटी थी जो डच के खिलाफ जो थी वो उठ रही थी, तो डच ने उस अपराइजिंग को जो है सप्रेस कर दिया यानी कि दबा दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। कलंग की जो जाति थी वो जो कम्युनिटी थी वहाँ डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, अभी डच जो थे वो भी ब्रिटिशर्स की तरह एक नई अपनी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो थे वहाँ के फॉरेस्ट के लिए, जावा के फॉरेस्ट के लिए जो है वो लोग लेकर आए। अब 19th century में वैन इट बिकेम इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी एंड नॉट जस्ट पीपल। अब डच के लिए भी 19वीं शताब्दी में तक आते आते क्या चीज़ हो गई कि भाई टेरिटरी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, हमें लोगों से कोई मतलब नहीं, मतलब जस्ट पीपल को ही अपने कंट्रोल में नहीं करना है लेकिन हमें पूरी जावा टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में करना है। द डच एनएक्टेड फॉरेस्ट लॉ इन जावा। डच ने क्या किया, ब्रिटिशर्स की तरह जावा में एक फॉरेस्ट लॉ जो है, नया फॉरेस्ट लॉ जो है लेकर आए यूरोपियंस, रिस्ट्रिक्टिंग विलेजरीज एक्सेस टू फॉरेस्ट। इन्होंने भी क्या किया, विलेजर्स को जो है फॉरेस्ट में जाने से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक मेकिंग रिवर बोर्ड्स और कंस्ट्रक्शन हाउसेज, एंड ओनली फॉर स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। अच्छा, क्या होता था, वुड वगैरह लकड़ियाँ वगैरह काटने पर भी इन लोगों के रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। ठीक है, कट नहीं करेंगे आप, लकड़ियाँ नहीं काटेंगे, और अगर आप काटेंगे, कोई स्पेसिफिक रीज़न है आपका तो ही आप लकड़ियाँ काटेंगे, तो आपको उनको जो है बताना पड़ता था, यानी कि ट्राइबल लोगों को, डच लोगों को जो है बताना पड़ता था कि भाई आप लकड़ियाँ क्यों काट रहे हैं, रिवर बोट के लिए काट रहे हैं, अपने घर बनाने के लिए काट रहे हैं, क्या स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीज़न है, तो वो रीज़न बताना पड़ता था। ओनली फॉर अ स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। और आप पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक फॉरेस्ट से ही काट रहे हैं या कहीं से भी काट रहे हैं, कौन से फॉरेस्ट से काट रहे हैं, और वो भी उस पर भी डच ऑफिशियल जो है स्पेशल सुपरविजन पर रहते थे, वो देखते रहते थे कितनी काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं, वो सब कुछ ये सब कुछ जो है उनको जो है ब्रिटिशर्स सॉरी डच जो ऑफिशियल्स जो होते थे। नाउ विलेजर्स वर पनिश फॉर ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्टैंड्स, ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट अ परमिट, और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विद हॉर्स। और एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट शिप बिल्डिंग, जैसे कि मतलब यहाँ पर यही बताया, जिस तरीके से इंडिया में वो लोग क्या करते थे ना, सारे फॉरेस्ट वगैरह को हमारे सारे कब्जा कर लिया था, और जो ट्राइबल थे उनका फॉरेस्ट में जाना मना कर दिया था। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो बहुत सारी हो रही थी, और उन लोगों से जो ट्राइबल पीपल से उनसे काम करवाते थे। सो एज इन इंडिया, जैसे इंडिया में होता था मैनेज द फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के लिए वो लोग जो है फॉरेस्ट को मैनेज करते थे, मैनेज यानी कि फॉरेस्ट को अपने कब्जे में ले लेते थे। रेलवे लेड टू द इंट्रोड्यूस ऑफ अ फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, शिप बिल्डिंग के लिए चाहिए होती थी उनको लकड़ी, रेलवेज के लिए यानी कि रेलवेज के लिए यानी कि जो स्लीपर्स ट्रैक्स बनाने के लिए। ठीक है, ट्रैक्स जो है वो लकड़ी के लट्ठों से बनाई जाती है। ठीक है, लॉग ऑफ वुड से बनाई जाते हैं। सो ये सारी चीजें बनाने के लिए जैसे वो इंडिया में काम कर रहे थे, यूरोपियन सारे के सारे एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, ठीक, चाहे वो डच पीपल हो।
जैसे एक तरीके से काम करते हैं, लेट टू द इंट्रोड्यूस ऑफ अ फॉरेस्ट सर्विस. तो इन्होंने जावा में भी यहाँ पर क्या किया, इन्होंने एक फॉरेस्ट सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी. फॉरेस्ट सर्विस जैसे आज इंडिया में भी उन्होंने बनाया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बनाया, ठीक है, और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बनाया. और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स होते हैं वो आज भी हमारी कंट्री में जो है यूपीएससी का जो एग्जाम देते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से भी अलग से भी जो है ये जॉब्स आती हैं, ठीक है. मतलब यूपीएससी जो है बहुत सारे लेवल पर जो है वो जॉब देता है, ठीक है. यूपीएससी में आईपीएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर्स निकलते हैं, आईएएस ऑफिसर्स निकलते हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो निकलते हैं. तो अलग अलग डिपार्टमेंट को जो है यूपीएससी एग्जाम हैंडल करता है, ठीक है. 1882 में क्या किया उन्होंने, करीब 280,000 स्लीपर्स, ठीक है, वर सोर्सेज जी एक्सपोर्ट फ्रॉम जावा एलोन. मतलब जावा, जावा एलोन, जावा जो आपका आइलैंड था, यानी कि जावा एलोन आइलैंड से उन्होंने 1882 में, यानी 19th सेंचुरी के आसपास जो है, अकेले अकेले जावा से 280,000 स्लीपर्स जो थे वो बनवाए. मतलब लकड़ियां कटवाई, उन लकड़ियों से जो है स्लीपर्स, यानी कि रेलवे ट्रैक जो पे जो स्लीपर्स पड़ते हैं लकड़ी के फट्टे, वो उन्होंने बनवाया. हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट एंड ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर. अब ये सारा जो है जो काम करने के लिए क्या चाहिए, ये सारा काम करने के लिए उनको चाहिए लेबर, ठीक है, लेबर फोर्स चाहिए. भाई काम तो लेबर के जावा के ही लोगों से करवाना पड़ेगा, यूरोप से तो वो लोग लेकर आएंगे नहीं ना. यूरोप के लोग जो है, यूरोप के जो वर्कर्स हैं वो ना ही जावा में जो है सेटल्ड हो सकते हैं, वहाँ का सारा एनवायरनमेंट क्लाइमेट सब कुछ अलग है, वो यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है. सो ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, सबके लिए ट्रीज कट करने के लिए उन्हें लेबर चाहिए. इसके लिए उन्होंने कुछ और नई जो है टेक्निक्स इस्तेमाल करी. सो डच इम्पोज रेंट ऑन लैंड. अब उन्होंने क्या किया, डच यूरोपियंस ने उन्होंने लैंड पर रेंट लगाना शुरू कर दिया. लैंड पर जो है रेंट यानी कि किराया लेना शुरू कर दिया, ठीक है. कल्टिवेट इन द फॉरेस्ट एंड देन एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस फ्रॉम दीज रेंट इफ दे वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर. उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये आइडिया क्या अपनाया, उन्होंने एक आइडिया किया, एक कह सकते हो चलाकी करी उन्होंने, ठीक है, कि जहां पर वो कल्टिवेट करते थे, जहां पर वो जावा के जो ट्राइबल लोग थे, जहां पर वो काम करते थे और या जहां पर वो काम कर रहे थे, कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जहां पे काम करते थे वहां पर उन्होंने रेंट लगाना शुरू कर दिया. कुछ जगहें जो थी, कुछ प्लेसेस पर जो है एग्जेम्प्टेड किया थे डच यूरोपियंस की कलेक्टिवली, अगर जो तुम लोग जो है अगर हमें फ्री लेबर प्रोवाइड करोगे, यानी कि अगर हमारे लिए फ्रीली काम करोगे एंड बफेलोज फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, ठीक है, तो अगर तुम लोग और तुम्हारे जो गाय भैंस वगैरह है वो अगर हमारे लिए फ्री काम करेंगे तो हम जो है फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर, यानी कि पेड़ काटने का काम और टिम्बर को ट्रांसपोर्ट करने का काम तुम्हारे गाय भैंस और तुम लोग अगर हमारे लिए फ्री करोगे तो हम उन विलेजेस में रेंट नहीं लेंगे, किराया नहीं लेंगे, उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है. सो दिस वॉज टेकन एज द, इसको एक तरीके का एक सिस्टम कहा जाता था, ब्लैंक डोंग डाइन स्टेन सिस्टम, लेटर इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्प्शन. और बहुत बाद में जाके उन्होंने जो है रेंट को एग्जेम्प्शन में डाल दिया. फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिव स्मॉल वेजेस, तो फॉरेस्ट के जो विलेजर्स स्मॉल वेजेस वो लोग दे देते थे, बट दे आर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रिस्ट्रिक्टेड. दे आर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट, लेकिन फॉरेस्ट में वो किसी भी तरीके का कल्टिवेशन करने का राइट जो था वो उनको नहीं. तो ये ट्रेन है जो कि उस जमाने में ट्रेन वगैरह जब बनाई गई थी, तो ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग पीक आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड लेट कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, फॉरेस्ट एंड लेट कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे आप देख रहे हो डच लोग जो है ये ट्रेन के ऊपर सारे जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं जिसे कहते हैं लॉग्स, या लकड़ी के लट्ठे कट जाने के बाद टिम्बर, सारा का सारा टिम्बर जो है ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर. नाउ आ जाता है सामीन्स चैलेंज. सामीन्स चैनल चैलेंज, अब ये कौन थे ये देखेंगे हम. सामीन एक पर्सन था, एक आदमी था जावा के अंदर, जिसने डच के ये कार्यक्रम को, डच के ये जो प्रोग्राम्स डच के जो चल रहे थे लकड़ी को लेके, टिम्बर को लेके, टीक को लेके, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट थी. तो ये जो सारा सिस्टम जो है, जो सारी गवर्नमेंट जो चला रही थी अपनी मर्जी, उसको क्वेश्चन करने के लिए अब यहाँ पर भी एक बंदा, एक पर्सन यहाँ पर और उठ खड़े हुए हैं, सामीन्स चैलेंज, ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को नाम दिया गया है सामीन्स चैलेंज, ठीक है. अराउंड 1980 में सुरोंतिका समीन, सुरोंतिको समीन्स ऑफ रेंडू ब्लाटुंग विलेज, जो रेंडू ब्लाटुंग विलेज ये था, वहां के ये रहने वाले थे जावा के अंदर, ठीक है, जावा में रेंडू ब्लाटुंग विलेज, टीक फॉरेस्ट. यहाँ पर जो फॉरेस्ट था पूरा का पूरा टीक का फॉरेस्ट था, टीक का विलेज था, टीक के पेड़ जो थे वहां पे, यहाँ पे ज्यादा थे. बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट. अब इसने बंदे ने जो है डच यूरोपियन से क्वेश्चन करना
शुरू किया कि भाई ये सारी चीज़ें जो है ये जो यूरोपियन सब पे कर रहे हैं, इसने बैठ के साथ सभी जो विलेजर्स थे, जो फॉरेस्ट के विलेजर्स थे, उन सबसे बैठ के डिस्कस किया, भाई ये जो सब कर रहे हैं डच पीपल्स हमारे साथ, डच यूरोपियंस, ये बाहर के लोग, ये भाई तो ये तो गलत है, ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें तो गलत है, ये सब कुछ इन्होंने तो बनाया नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ही आर्ग्यूड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड सो इट कुड नॉट ओन इट। भाई ये सारी चीजें जो है विंड वाटर जंगल पेड़ पौधे जो ये लकड़ियां काट काट के जबरदस्ती यहां से लेके जा रहे हैं, अगर हमारा नहीं है तो उनका भी नहीं है, ठीक है, तो इनका क्या हक बनता है कि ये सारी चीजें जो है काट काट के ले जा रहे हैं, क्यों काट के ले जा रहे हैं, ये सारा कुछ इन्होंने ना बनाया ना ये इनका है। सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप्ड और धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को जो है इनकी बात जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा पसंद आई और करीब करीब 3000 फैमिलीज जो थी वो इनके रेबल्स के साथ आके, इनके इन्होंने जो रेबल छेड़ा उस रेबल में आके इनका साथ दिया, ठीक है। सो इन ये जो थे काफी ओल्ड थे, सामींस काफी ओल्ड थे, मूवमेंट काफी डेवलप्ड हुआ, वाइड स्प्रेड हुआ, बहुत जल्दी ये वाइड स्प्रेड हो गया, बहुत जल्दी फैल गया। अमंग्स दोज हु हेल्प्ड ऑर्गेनाइज्ड इट वर द सामींस सन इन लॉ, ठीक है, इन सभी जितने भी लोग जो थे जो इनसे ऐड हुए, इन सभी में से जो सबसे ज्यादा जिन्होंने इस रेबल को जो है वो आगे बढ़ाया वो थे आपके सामींस के सन इन लॉ, सन इन लॉ यानी कि इनके दामाद, इनके बेटी के हस्बैंड, ठीक है। इन्होंने उन्होंने जो है सारे, क्योंकि वो यंग थे, ये तो काफी ओल्ड थे, वो काफी यंग थे, अमंगस्ट यंग पीपल्स में से थे, इन्होंने पूरा एक जो है ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाया, सबको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन ही यानी कि सबको ऑर्गेनाइज किया, सबको अपने इस रेबेलियन मूवमेंट में जो है सबको शामिल किया था डच यूरोपियंस के अगेंस्ट कि भाई ये जंगलों को हमारे पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें जो है रेबल तो करना पड़ेगा, ठीक है। और देखते ही देखते जो है रेबल जो है काफी फैल गया, ठीक है, और करीब 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 जैसे मैंने आपको बताया 3000 फैमिलीज जो थी इनके आइडिया से बहुत ज्यादा खुश थी, इनको फॉलो करने लगी और इनको जो फॉलो करते थे उनको बोलते थे सेमिनिस्ट, प्रोटेस्ट बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वे इट व्हाइल अदर रिफ्यूज टू पे टैक्सेस और फाइन और परफॉर्म लेबर। जब ही डच जो थे हुआ क्या था कि फेमिनिस्ट टू प्रोटेक्ट बाय लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड, इन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया अपने जमीन को बचाने के लिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया जमीन पे लेट गए। जब भी डच आते थे सर्वे करने के लिए पूरे जंगल का, ठीक है, कि भाई यहाँ से ये लकड़ी काटनी है, यहाँ से ये लकड़ी काटनी है, जैसे कि चिपको मूवमेंट हमने पढ़ा था, स्टडी किया था कि जब फॉरेस्ट को काटने आते थे ब्रिटिशर्स तो उन्होंने क्या किया सारे पेड़ों को जो है वो लोग हक करके खड़े हो जाते थे कि भाई पेड़ तो नहीं कटेंगे, चाहे आप हमें मार दीजिए लेकिन हम पेड़ नहीं कटने देंगे। रिफ्यूज टू पे टैक्स, टैक्स देना इन्होंने मना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम फाइन्स भी नहीं देंगे और हम किसी भी तरीके का लेबर गिरी आपके अंडर में किसी भी तरीके की लेबर का काम हम नहीं करेंगे। यहाँ इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे ये अलग अलग आइलैंड्स हैं, ठीक है, आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सारी आइलैंड कंट्रीज कही जा। नेक्स्ट आता है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। भाई अब लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स, सॉरी डच यूरोपियंस के और जावा के ट्राइबल विलेजेस के बीच में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड अ मेजर इंपैक्ट ऑन फॉरेस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे आर्म्स एमनीशंस की जरूरत थी और बहुत सारी ऐसी चीजों की जरूरत थी जहां पे लकड़ियों का काम बहुत ज्यादा था, तो इस टाइम पर फॉरेस्ट को जो है वो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर तो यहाँ हो रही थी, लकड़ियों की जरूरत ब्रिटिशर्स को थी, तो ब्रिटिशर्स तो अपने इंडिया से जो है खूब भर भर के जो है फॉरेस्ट से लकड़ियां वकड़ियां सब निकाल निकाल के लेके जा रहे थे, जो उन्होंने प्लान्स वगैरह बनाए थे कि भाई इतनी लकड़ियां काटेंगे इतनी काटेंगे, अब वो अंधाधुंध जो है काटने लग गए थे, ठीक है, कि वॉर वगैरह में लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जावा में क्या हुआ, क्योंकि दो वॉर्स जो है लड़ रही थी, एक तरफ थी आपकी जर्मनी, जापान, इटली लड़ रहा था, दूसरी तरफ आपका यूएसए था, फ्रांस था, डच भी इसी साइड थे, सारे यूरोप के देश एक तरफ थे और एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली था, ठीक है। तो यहाँ जापान जो था वो जावा पे ऑक्युपाइड करने की कोशिश कर रहा था, तो ऑक्युपाइड से पहले ही जो डच, क्योंकि डच एक तरफ थे, यूरोपियंस एक तरफ थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया यहाँ पर एक स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी बना दी। स्क्रॉच अर्थ पॉलिसी क्या, कि यहाँ पे सब कुछ उन्होंने पहले ही बर्बाद कर दिया, कि इससे हाथ जापान के लोगों के हाथ में लगे, इससे पहले सभी कुछ सब कुछ जो है खुद ही बर्बाद कर दो। तो सॉ मिल्स बर्बाद कर दी, जितने भी बड़े बड़े ह्यूज पाइल्स ऑफ जैन टी क्लॉग्स, बड़े बड़े टी क्लॉग्स यानी लकड़ी के जो टीक लकड़ी होती है उसके जो बड़े बड़े लट्ठे पड़े हुए थे, लॉग्स पड़े हुए थे, वो सारे के सारे जला दिए, पूरा जंगल जला के बर्बाद कर दिया। दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड, उनके दिमाग में ये आया कि भाई ये जो है जापान के हाथ में नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इसलिए उन्होंने सब कुछ पूरा के पूरा जंगल जो है जावा के जला के बर्बाद कर दी। जापानी देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली। उसके बाद जब जापानीज जब यहाँ पहुंचे, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, जला जल गया, तो अब जो है जो सारी चीजें जो बची हुई थी जहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर, देयर ओन वॉर इंडस्ट्री
अपनी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने जो थोड़े बहुत पेड़ बचे हुए थे फोर्सिंग फॉरेस्ट विलेजर्स टू कट डाउन फॉरेस्ट, तो विलेजर्स जो थे फॉरेस्ट के विलेजर्स थे उनसे जो है जबरदस्ती बोला कि भाई आप तो हमारे लिए जो है काट काट के दो क्योंकि अब तो कुछ बचा तो है नहीं, जो कुछ बचा है जो है वही हम लेके जाएंगे, जितने पेड़ पौधे यानी कि जो ट्रीज जो जंगल जो बचे हैं थोड़े बहुत जो बच गए हैं वो भी आप तुम जो जबरदस्ती फोर्सफुली जो है उनसे कटवा कटवा के वो जो है जापान ले। सारी चीजों में नुकसान जावा के देश जावा देश का हुआ। Now many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest. बहुत सारे villagers ने इस opportunity को grasp किया, मतलब जंगल तो कट गए थे, वो खाली भी हो गया था, जल गए थे सारे पेड़ पौधे सब जल गए थे, trees को जंगलों को जला दिया था, तो खाली हो गया land बिल्कुल बिल्कुल blank हो गया। तो कुछ villagers ने इस opportunity का जो है फायदा उठाया to expand cultivation in forest. उन्होंने क्या किया forest में जो है cultivation करना शुरू कर दिया, start कर दिया, ठीक है, vegetables हो गए, धान वगैरह हो गए, ये सारा कुछ जो है उन्होंने जो है ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है, कल्टीवेशन इन फॉरेस्ट की क्रॉप्स, ठीक है, क्रॉप्स वेजिटेबल्स, वैसी सी बात है, क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए, तो क्रॉप्स वगैरह ग्रो किया। आफ्टर द वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर इंडोनेशिया इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट दिस लैंड बैक, तो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस जो थी यानी कि ब्रिटिशर्स ने सॉरी डच यूरोपियंस ने जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस जो स्टार्ट करी थी उसके तहत अब बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि ये लैंड जो था जिसपे वो लोग फॉरेस्ट के विलेजर्स जो है कब्जा कर रहे थे आफ्टर द वॉर, वॉर के बाद, ठीक है, जब वॉर खत्म हो गई उसके बाद, तो वो बहुत मुश्किल हुआ कि वो लैंड उनसे वापस ले ले। एज इन इंडिया पीपल नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स डिजायर टू कंट्रोल द लैंड एंड एक्सक्लूडेड पीपल फ्रॉम इट, ठीक है। सो इंडिया में भी ये सब कुछ बहुत झाड़बाजी हुई, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, ठीक है, वो अपनी तरफ लैंड चाहता था और जो लोग थे वो अपनी तरफ लैंड चाहते थे क्योंकि भाई जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा लोगों के बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में। लेकिन बाद में जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो है काफी चीजें जो है सेटल डाउन हो गई हमारी कंट्री में, ठीक है, और लैंड जो है डेमोक्रेसी की वजह से सारी चीजें जो है कुछ लैंड लोगों को भी दे दिया गया, कुछ चीजें जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में भी आ गई, ठीक है। आप पिक्चर देख सकते हो इंडियन म्यूटिनियंस बोर्ड वॉर टिम्बर स्लीपर्स ये रखे हुए हैं, ये बड़े बड़े लकड़ी के ना ये लॉग्स जो हैं वो रखे हुए हैं, लट्ठे हैं लकड़ी के रखे हुए, स्लीपर्स पाइल्ड एट सोले पगोडा रेडी फॉर शिपमेंट 1917, ये 1917 की पिक्चर है, ठीक है, ऑब्वियसली उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था, और ये इंडिया की पिक्चर है आपकी जहाँ पर ये लकड़ी के जो है ये स्लीपर्स जो है रखे हुए हैं और ये रेडी हैं स्लीपर्स शिप के लिए, शिप का मतलब होता है शिपमेंट के लिए रेडी है, शिपमेंट का मतलब होता है कि जाने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार है, कहाँ जाने के लिए शिपमेंट, ये स्लीपर्स तैयार हैं इंग्लैंड जाने के लिए। जैसे कि कोई इंसान आज के टाइम पे ना हम अपनी सारी तैयारियां करते हैं कि भाई हम वहां जा रहे हैं फॉरन जा रहे हैं यहां जा रहे हैं, इंग्लैंड जाने के लिए ये स्लीपर्स जो है वो तैयार है, सोचो हमारी देश की लकड़ियां तक इंग्लैंड और यूरोप जो है कहाँ कहाँ हमारी गई हैं। न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री, अब फॉरेस्ट्री के अंदर क्या नए डेवलपमेंट हुए, मतलब फॉरेस्ट्री चल रही है, फॉरेस्ट अभी ब्रिटिशर्स का डच का ही कंट्रोल चल रहा है अभी जावा में, लेकिन अब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या उन्होंने चेंजेस, सिंस 1980s आ जाता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स जा चुके थे, देश आजाद हो चुका था 1947 में, देश जिस तरीके से हमारा जैसे आजाद हुआ तो 1947 में देश आजाद हुआ, 1980s आ गया, 80s तक आते आते अभी तक तो गवर्नमेंट जो है वो संभलने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, 50 से 60 से 70 यानी 30 साल हुए लगभग अभी सिर्फ 30 साल ही हुए थे देश को आज़ाद हुए, और इसी 30 सालों में गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका, मतलब पूरे एशिया में भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी, ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी अफ्रीका में, आपको पता ही है अफ्रीका में भी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी, जैसे साउथ अफ्रीका जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहा, ऐसी अफ्रीका की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जहां पर ब्रिटेन ने अपनी जो है कॉलोनीज बना रखी थी, ठीक है। सो ऑल ओवर एशिया और अफ्रीका में अब गवर्नमेंट को ये बात समझ में आने लग गई थी कि भाई साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो ब्रिटिशर्स ने और डच ने जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का ये ड्रामा जो था वो रचा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने और डच ने, कि भाई जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो सारे सारे काट के हम जो है जो जिन फॉरेस्ट जो लकड़ियां जो पेड़ों की लकड़ियां हमें चाहिए वो पेड़ पूरे के पूरे इकट्ठे कलेक्टिवली लाइन से वो पेड़ ग्रो कर दिए जाते थे, इसे कहा जाता था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डाइटरिच ब्रांडर्स को लेकर आया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, उन्होंने स्टार्ट किया, तो गवर्नमेंट को अब ये समझ में आया कि ये जो है फायदेमंद नहीं है, ये पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट कम्युनिटी को कहीं ना कहीं नहीं बहुत जगहों पर फॉरेस्ट कम्युनिटी को ये पॉलिसी नुकसान पहुंचा, ऐसा फॉरेस्ट को भी बहुत बड़ा जो है नुकसान पहुंचा रही है, रिजल्टेड इन मेनी कॉन्फ्लिक्ट।
कम्युनिटी अवे फ्रॉम फॉरेस्ट, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, ये कम्युनिटी भी फॉरेस्ट से अलग रह रही है, मतलब जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, विलेजर फॉरेस्ट विलेजर्स को फॉरेस्ट से ही निकाल दिया जाता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की वजह से, जिसके वजह से रिजल्ट उसका ये हुआ इन मैनिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो लोग थे फॉरेस्ट विलेजर्स थे, अब गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा उनका लड़ाई झगड़ा मच गया, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स तो गए 1980s तक, ब्रिटिशर्स 47 में चले गए, और 80s तक अब उन जो फॉरेस्ट विलेजर्स थे उनका लड़ाई झगड़ा अब गवर्नमेंट से बढ़ गया। कौन सी गवर्नमेंट? हमारी इंडिया की गवर्नमेंट। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन, अब गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई कि ये ठीक नहीं है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ठीक नहीं है। यानी कि आप ये सोचो 1980s तक जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है, आप ये सोचो तब तक हमारी कंट्री में चल ही रही थी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, मतलब देश आजाद होने के बाद भी हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी इतनी ना होश आया कि ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को जो है तुरंत तुरंत खत्म किया जाए, ब्रिटिशर्स की जो चीजें हैं उनको खत्म किया जाए बिल्कुल, ठीक है, और कुछ अलग अपना हम कुछ अपना स्टार्ट करें। फॉरेस्ट को बचाने के लिए कलेक्टिंग ऑफ टिम्बर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट गोल, ठीक है, तो फॉरेस्ट को बचाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है इंस्टेंट ऑफ जो टिम्बर कलेक्ट कर रहे हैं हम। यानी कि 1980s तक जो है गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो फॉरेस्ट से टिम्बर वगैरह कलेक्ट करवा रही थी। इट मीन्स आप ये सोच लो कि ब्रिटिशर्स तो जो गए वो नुकसान करके या जो करके जो भी करके गए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी इतना होश नहीं आया कि भाई वो लोग तो जो करके गए हैं लेकिन आप क्यों उस चीज को कर रहे हो। यानी 1980s तक जो है टिम्बर कलेक्शन जो था फॉरेस्ट में चल रहा था, और फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है हमारा, गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल, और गवर्नमेंट ने जो है अब इन चीजों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि हमें अपना ये वाला गोल फुलफिल करना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वही लोग कर सकते हैं जो फॉरेस्ट के विलेजर्स हैं, यानी कि जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं। द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व, तो उन लोगों को जो लोग रह रहे हैं फॉरेस्ट में उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि वही फॉरेस्ट का कंजर्वेशन अच्छे से कर सकते हैं। हम जो सिटीज में शहरों में जो लोग रहते हैं हमें इतना ज्यादा फॉरेस्ट के बारे में ना पता है, ना हम जंगल में जा सकते हैं, ना हम जंगल को कंजर्व कर सकते हैं, और तो और हम जंगल में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग वहां पर रहते हैं सालों से रह रहे हैं, उनके एंसेस्टर ट्राइबल जाति, ट्राइबल जो जंगली जाति, इसलिए उन्हें जंगली जाति कहा जाता है क्योंकि वो जंगल में सालों सालों उनके एंसेस्टर तक वो जंगल में रहते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट को अभी यह बात समझ में आने लग गई कि भाई इन्हीं यही जो है जंगल को कंजर्व कर सकते हैं, और इसलिए आप देखोगे जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक जो है, मिजोरम से लेकर केरला तक, मेनी केसेस अक्रॉस द इंडिया डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजर्स के वजह से ही जो है हमारे डेंस फॉरेस्ट जो है आज सर्वाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज प्रोटेक्टेड डैम इन द सेक्रेट ग्रुप नोन एज सारनास, देवारकुडू, कान राय, ये जो है ट्राइबल कुछ जातियां हैं, ठीक है, ये जो कम्युनिटी है ये अपनी कम्युनिटी ये जो कम्युनिटी है ये जंगलों को, ठीक है, ये अपने फॉरेस्ट को जो है बहुत ही सेक्रेट मानती है, ठीक है, ये अपने फॉरेस्ट को सेक्रेट मानती है, और इन ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप है, ये जो जंगली जाति है, ये जो जंगली कम्युनिटी है, इन जंगली कम्युनिटी को बोला जाता है सेक्रेट ग्रुप, विलेजर्स प्रोटेक्ट देम इन सेक्रेट ग्रुप, क्योंकि ये जंगलों को बचाकर रखते हैं, ये जंगलों को कंजर्व करके रखना पसंद करते हैं, ठीक है, ये जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही पेड़ कटते हैं, ना जलाना वलाना ये सब नहीं, इवन एनिमल्स को भी ये टच नहीं करते हैं, एनिमल्स को भी ये लोग बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सेक्रेट ग्रूव्स जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्रेट ग्रूव्स का मतलब होता है अनटच्ड फॉरेस्ट, यानी कि वो फॉरेस्ट जिनको कभी ह्यूमन ने जो है टच ही नहीं किया है, वो जंगलों के साथ और जंगली एनिमल्स के साथ वो मिल के साथ में चलते हैं। आंध्र प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, बंजारा ट्राइब, गुज्जर, गद्दी, संथल, मुंडाज, ये सारी की सारी जो है हमारी ट्राइबल कम्युनिटी कही जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये जंगली कम्युनिटी जो है आज हिंदुस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है जनता के लिए एक सरदर्दी बनी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा वाली सरदर्दी बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियसली बताया था, कर्नाटका में आपको याद होगा वीरप्पन करके एक जंगल में रहने वाला एक तस्कर था, ठीक है, जो कि पेड़ की तस्करी करता था, ठीक है, तो तस्कर तो आज भी हैं, स्मगलर्स जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या करता था, पेड़ों को काट काट के उनकी तस्करी करता था, पैसा कमाता था। वीरप्पन को बहुत मुश्किल से मारा गया था, वो मिल नहीं रहा था, जंगलों में रहता था, जंगलों के बारे में उसको सब पता था, पुलिस को आर्मी को इतना सब कुछ पता नहीं होता था, तो बहुत सालों तक जो है वीरप्पन को ढूंढा गया, करीब 10-15 सालों तक, उसके बाद जो है उसको मार दिया गया क्योंकि वो जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, और कहने को वो ट्राइबल ही था, तो इसलिए ऐसे नहीं सारी ट्राइबल कम्युनिटी भी जो है फॉरेस्ट को
प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। कुछ ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, फॉरेस्ट को सेक्रेड मानती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उनको भगवान मानती हैं, लेकिन सब नहीं है। कुछ ऐसी कई ऐसी कम्युनिटी हैं जो ये बोलती हैं कि भाई जो तस्करी करती हैं, लकड़ियों को काट काट के दूसरे दूसरे देशों में जो है पहुंचाती हैं, बेचती हैं, बेचाती क्या है, बेचती हैं, ठीक है। बहुत ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है। अच्छा, अब क्या होता है, सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट विलेजर्स होते हैं वो खुद अपने फॉरेस्ट की जो है पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग यानी कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। पेट्रोलिंग करना, जैसे इंडियन आर्मी अपने बॉर्डर की जो है पेट्रोलिंग करती है, हमारी जो जो बॉर्डर है, तो हमारे बॉर्डर पर जो है जो इंडियन आर्मी की जो एक बीएसएफ डिपार्टमेंट है वो पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है, प्रॉपर हिंदी में अगर आप बोलो, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाता, ठीक है। गश्त लगाना यानी कि देखभाल करना, प्रोटेक्ट करना, कोई जंगल में कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। कोई इंसान, आजकल जानवरों से ज्यादा तो इंसान का डर है जंगलों में भी, ठीक है। हमारे पेड़ काट के नहीं रहा है, जो स्मगलर्स होते हैं वो ज्यादातर इसी तरीके से करते हैं, ना दिन रात ना सुबह कुछ नहीं देखते थे, और वो लोग जो है रात में दिन में कभी भी वो छुप के जो है पेड़ काट के, चुपचाप से पेड़ काट के ले जाते हैं, एनिमल्स को मार के लेके चले जाते हैं। तो इसलिए कुछ जगहों पर जो फॉरेस्ट विलेजर्स होते हैं वो अपने फॉरेस्ट की खुद पेट्रोलिंग करते हैं, खुद देखभाल करते हैं अपने फॉरेस्ट की, ओन विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्न, मतलब टर्न वाइज जो है हर घर में जो विलेजर्स होते हैं वो एक एक घर से जो है हर किसी की जो है बारी बारी से ड्यूटी लगती, इंस्टेड ऑफ लीविंग टू द फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट का जो गार्ड है उसके ऊपर नहीं छोड़ते थे, खुद करते थे। लोकल फॉरेस्ट, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज जो है वो एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज, जो लोकल में जो फॉरेस्ट के लोग रहते हैं, टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब वो सोच रहे हैं कि फॉरेस्ट को जो है किस तरीके से, कौन कौन से नए नए अलग अलग तरीके निकाले जाएं जिन तरीकों से जो है हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सकें, फॉरेस्ट का लकड़ियां, फॉरेस्ट के पेड़ पौधे, फॉरेस्ट के हर्ब्स, उनको मैनेज कर सकें, और यहाँ से कोई फॉरेस्ट को जो है मतलब फॉरेस्ट की में से जो है लकड़ियाँ वगैरह काट वाट के भी ना लेके जा सकें, स्मगलर्स एनिमल्स को ना मार सकें। तो एनवायरमेंटलिस्ट अभी ये तरीके बना रहे हैं कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। लॉग यार्ड इन रिमबाग अंडर डच कॉलोनियल रूल, ये यहाँ पर आप लॉग यार्ड देख सकते हो, ये एक लॉग यार्ड है, यानी कि यहाँ पे लकड़ी के लट्ठे जो है ये ठेलों पर, देखो गाय ये खड़ी हुई है, गाय भैंस इनके ऊपर ना लाद दिए जाते थे ये, ठीक है, और लाद के ये लोग सब काट रहे हैं बैठ के, छोटे छोटे लकड़ी के लट्ठे, ये उस समय डच के कॉलोनियल रूल के अंडर में था ये। उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस, क्विज। व्हाट वाज द ब्लैंगडोंग डाइनस्टाइन सिस्टम, क्या था ब्लैंगडोंग डाइनस्टाइन सिस्टम और कहाँ पर था, जावा, बस्तर, सिंगापुर। प्लीज राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आप अपना आंसर कॉमेंट में बताइएगा मुझे। सेकेंड क्वेश्चन है, ओवर क्वेश्चन, व्हाट वाज द पॉलिसी फॉलोड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया टुवर्ड्स फॉरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इस टाइम पर कौन सी पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स ने करी थी इंडिया टुवर्ड्स फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए इंडिया की कौन सी, ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिशर्स की इंडिया में क्या पॉलिसीज थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सो राइट द राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एंड अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, कोई भी प्रॉब्लम है राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आपको कोई भी चीज में, किसी भी चीज में इशू है, कोई भी चीज आपको अगर समझ नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और इधर ईमेल भी, मेरा ईमेल जो है वो लिखा हुआ है मेरे बायो में, आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली ट्राई टू, डेफिनेटली आई गिव द आंसर, अगर मैं कहीं बिजी अगर थोड़ा हो जाती हूँ तो भले ही मैं ना दूँ आंसर, लेकिन मैं डेफिनेटली आंसर आपको करूंगी। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आई और आपको अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कॉमेंट, ओके। सो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जो लोग 9th से 10th में हैं या 8th से जो 9th में आए हैं उनसे आप जरूर शेयर करिएगा कि सोशल स्टडी इस चैनल पर मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को। और एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन, प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट वीडियो सेशन, और कौन सा चैप्टर अब हम देखते हैं, कौन से चैप्टर में हम आपसे दोबारा से मिलते हैं। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।